तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलटेल के स्टॉक के बारे में। रेलटेल के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमको यहाँ पे स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन गिरावट के बाद भी स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और अगेन हमको यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी ही देखने को मिली। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.46% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 296 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करेगा दैन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 310, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 325, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया दैन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 350, और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 365, इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 380 और 400 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन है, हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 283 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 272 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 257 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।